हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर्स। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आज की इस क्लास में सीखेंगे हम ट्रांसपेरेंसी टूल के बारे में। ट्रांसपेरेंसी टूल हमें मिलेगा यहां पे इफेक्ट टूल्स के नीचे, ट्रांसपेरेंसी टूल। फ्रेंड्स, हम कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट को, किसी भी डिजाइन को, किसी भी इमेज को हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट करने का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने ये कलर फिल किया है यहाँ पे, और यहाँ पर मैं इसको नन कर देता हूँ। ये कलर लिया है इसके अंदर, तो इसको भी मैं नन कर देता हूँ। डिफॉल्ट सेटिंग वो रखी है कलर की, तो जो भी कलर में हम ये दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रेक्टेंगल, सर्कल, मैं एक टेक्स्ट भी लिख लेता हूँ इसके ऊपर, ट्रांसपेरेंसी टूल। एक इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं हम, जिस पर कि हम लगाएंगे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट। ये पोस्टर ले लेता हूँ मैं। अब हमारे पास देखिए एक ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल टूल पे बनाया हुआ, एक सर्कल है, एक टेक्स्ट लिखा है। टेक्स्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, हम इजीली इसमें ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट दिखा सकें। ये कुछ ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं इमेज के साथ में। ट्रांसपेरेंसी टूल का रोल होता है फ्रेंड्स ट्रांसपेरेंट करना, कलर को लाइट करना, यानी कि टिंट मोड में लाना। जैसे मान लीजिए रेड कलर हमने फिल किया हुआ, तो रेड कलर को 10% ट्रांसपेरेंट करना, 20% ट्रांसपेरेंट करना, 100% ट्रांसपेरेंट करना, ये ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले तो रेक्टेंगल टूल जो हमने बनाया है रेड कलर का, उस पर हम ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट देंगे। रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल पर आएंगे। देखिए जैसे ही हम ट्रांसपेरेंसी टूल लेते हैं, तो यहाँ हमें प्रॉपर्टी बार में ट्रांसपेरेंसी के अलग अलग वेरिएशंस यानी कि मोड्स नजर आएंगे। सबसे पहला तो है कि किसी भी प्रकार का अगर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट दिया हो, नन करना, कैंसिल करना, नो ट्रांसपेरेंसी, रिमूव करना ट्रांसपेरेंसी को। अब चूंकि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी हमने अभी दी नहीं है फिलहाल, तो हम रिमूव क्या करेंगे। हम आते हैं नेक्स्ट, इसमें ऑप्शन में यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। इस यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट में, पूरे ऑब्जेक्ट में, कंप्लीट ऑब्जेक्ट में 50% ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करना, ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करना। चलिए यहां से हम परसेंटेज कंट्रोल कर सकते हैं। 50% ट्रांसपेरेंसी है, 75%, 100% जीरो हो जाएगा, बिल्कुल वैल्यू खत्म हो जाएगी कलर की, 10% रेड थोड़ा लाइट हो जाएगा, अगेन 20, 35, 50। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इस रेड रेक्टेंगल के पीछे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट लाके रखेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट को भी ये दिखाएगा, बट रेड की ट्रांसपेरेंसी उस पर आएगी, दिखाई देगी। तो जैसे ये इमेज है, इस इमेज को मैं शिफ्ट पेज डाउन की हेल्प से पीछे अरेंज करता हूँ। अब देखिए, अब चूंकि रेड कलर जो है, पहले हमने फिल किया था 100% कलर फिल था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तब ये इमेज हमने पीछे रखी हुई थी इसके, तो दिखाई नहीं दे रही थी। देखिए मैं इसको वापस से 100% करता हूँ, यानी कि रेड 100% करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी खत्म करता हूँ, रिमूव ट्रांसपेरेंसी, अब नहीं दिखाई दे रही इमेज। जैसे ही मैं यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी पे आता हूँ, 50% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और इमेज भी दिखेगी, बट इमेज पर रेड कलर का एक लेयर दिखाई देगा। तो ये होता है ट्रांसपेरेंसी का मतलब, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। ये हम ट्रांसपेरेंसी इमेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इस इमेज को लाता हूँ बाहर, और इस पर मैं ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट अप्लाई करता हूँ यूनिफॉर्म, और 50% ये क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट कर देगा। अब ये जो ब्लू कलर का जो सर्कल है, इसे मैं अगर इस इमेज के पीछे की तरफ शिफ्ट करता हूँ, अरेंज करता हूँ, तो ये ब्लू कलर यहाँ यहाँ पर जो सर्कल का एरिया जो है, वहां वहां ब्लू का शेड दिखाई देगा। अब ब्लू कलर जहां जहां स्क्रीन पे, इमेज पे जो 50% में ट्रांसपेरेंसी किया था, वहां पे कलर पे मिक्स हो रहा है, तो ये रेड कलर ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो ये रेड कलर ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। कुछ इस तरह से हम ट्रांसपेरेंसी टूल को यूनिफॉर्मली यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यही अगर हमने जो ट्रांसपेरेंसी लाइनियर दिया हुआ है, सॉरी यूनिफॉर्म दिया हुआ है, इसको हम लाइनियर कर सकते हैं। लाइनियर का मतलब होता है सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में जो ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी यूनिफॉर्म है, इसको हम एक पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक लाइनियर कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, और इसका जो ये सेकंड पॉइंट है, यहाँ से इसको मैंने अंदर तक लिया, तो इमेज यहाँ से ट्रांसपेरेंट होना शुरू होगी और एंड तक आते आते 100% ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ये लेवल हम ट्रांसपेरेंसी का कुछ इस तरह से कर सकते हैं, और इसको हम जितना हम रेंज कम करना चाहें ट्रांसपेरेंसी की, उतना इमेज का रेंज हम कम करते जाएंगे, तो बाकी का इमेज बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी करने की वजह से गायब सा हो जाएगा। हमें एक ऐसा ब्लेंड दिखेगा सॉफ्टनेस का इमेज में। अब अगर मैं इसके पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, और उस रेक्टेंगल में मैं कोई कलर डाल देता हूँ, लेट्स से पिंक कलर डाल देता हूँ, मेजेंटा कलर मैंने ऐड किया। अब चूंकि ये ऊपर की तरफ है, शिफ्ट पेज डाउन करेंगे, रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, उसमें जो कलर डाला वो कलर उस ट्रांसपेरेंट एरिया में लाइनियर मोड में दिखाई देगा, तो ऐसा लगेगा जैसे फ्यूज होते हुए कोई इमेज उस कलर से अपियर हो रही है। ये मतलब होता है लाइनियर ट्रांसपेरेंसी करना। और इसके अंदर जो हमने डाला है, सिर्फ सिंपल सा कलर डाला है, और चूंकि ट्रांसपेरेंसी इस इमेज में है और वो भी लाइनियर है, तो ये लाइनियर मोड में कुछ इस तरीके से शो करता है। ये होता है ट्रांसपेरेंसी लाइनियर करना।
ट्रांसपेरेंसी के अंदर हम जो लाइनर दे रहे हैं वो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। जिस तरह से हम फाउंटेन फिल करते हैं, डबल कलर फिल करते हैं, मल्टीपल कलर फिल करते हैं, उसी तरह से उन कलर्स को ये ट्रांसपेरेंट करेगा फाउंटेन फिल की तरह। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस इमेज पर ही मैं ट्रांसपेरेंसी लगाना चाहता हूँ, अलग कर लेता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ, इस इमेज को लाता हूँ, यहाँ से जो लाइनर ट्रांसपेरेंसी दिया हुआ था इसको मैं यूनिफॉर्म करता हूँ, यूनिफॉर्म से फाउंटेन पाता हूँ। देखिये प्रीवियसली जो यूज किया था वही आएगा, तो हम जो लाइनर कर रहे हैं ट्रैक करके ये वही है यहाँ पर फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। जब हम फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करते हैं, ये तो मैंने कस्टम दिया है कि भाई लाइनर कर दे, इसमें पहले से ही कुछ फाउंटेन्स बने हुए हैं कलर के जो कि ट्रांसपेरेंट है। तो अगर हम इस इमेज पर ये ट्रांसपेरेंसी डालना चाहते हैं इस तरह के फाउंटेन की, तो इमेज पर देखिए ट्रांसपेरेंट कलर का वो इफेक्ट जो है वो आ जाएगा। और यहाँ पर जो रेंज बता रहा है अलग अलग कलर, ये सारे अलग अलग कलर है, टूल हमने किया है ट्रांसपेरेंटली, तो इन कलर को ये ट्रांसपेरेंट करके इमेज पर डिस्प्ले करेगा, यानी फुल कलर शो नहीं करेगा, उन कलर की ट्रांसपेरेंसी मोड यूज करेगा। ये है लाइनर ट्रांसपेरेंसी, ये है रेडियल ट्रांसपेरेंसी, ये है कॉनिकल अभी जैसे हमने किया, और ये स्क्वायर। इस तरह से हम ट्रांसपेरेंसी इमेज पर अप्लाई कर सकते हैं फाउंटेन फिल के थ्रू। और ज्यादातर सबसे ज्यादातर जो काम में ली जाती है वो ट्रांसपेरेंसी होती है लाइनियर ट्रांसपेरेंसी, इसमें ये वाला मोड यूज किया जाता है लाइनियर के अंदर। और पैटर्न हम यहाँ पे चेंज कर देंगे इस तरह से लाइनियर का, इसमें दो कलर आ रखे हैं, दोनों कलर को ट्रांसपेरेंट कर रखा है, मैं कोई एक कलर कर लेता हूँ। इसी तरह से अगर मुझे ट्रांसपेरेंसी नन करनी है, रिमूव करनी है, तो यहाँ से हम क्लिक कर देंगे, रिमूव हो जाएगी। कस्टमाइज करनी है, यहाँ से करना है इधर से कर लीजिए, यहाँ से करना है यहाँ से कर लीजिए, एट ए टाइम एक बार एक जगह पर ट्रांसपेरेंसी आएगी। इधर यू कैन यूज यूनिफॉर्म और यू कैन गो फॉर लाइनियर और रेडियल। अगर मैं यहाँ से रेडियल कर लेता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाएगी, रेडियल हो जाएगी। मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बाकी एरिया हार्ड होता जाएगा, इसे कहते हैं रेडियल ट्रांसपेरेंसी। ये मैं ऑपोजिट भी कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ से इसको चेंज कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ये एरिया रह जाए और बाकी यहाँ पर ये जो एरिया आ रहा है ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये रेडियल ट्रांसपेरेंसी का रोल है, इसे कहते हैं फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी है हमारे पास पैटर्न। इस इमेज पर कोई पैटर्न फिल करना है तो मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी टूल लूंगा, पैटर्न पर जाऊंगा, इसमें कुछ बने बनाए पैटर्न है, जैसे ये चेन का पैटर्न है जो कि हमें यहाँ मिलेगा, ये डिफॉल्ट पैटर्न है, हम इनकी जगह अपना कस्टम इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ये पोल्का डॉट्स है, ये पोल्का डॉट्स मैं लेता हूँ और इसको मैं रिसाइज भी कर लेता हूँ, यहाँ से इक्वली रिसाइज करके मैक्सिमम पोल्का डॉट्स अप्लाई कर लेता हूँ। इन पोल्का डॉट्स के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लेवल दे रखा है वो और भी ट्रांसपेरेंट करना चाहूँ तो और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ, 8% 10% इमेज पर भी ये जैसे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट कलर में दिखाई देंगे। कलर मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ, इधर से अगर मान लीजिए ग्रिल लेना है तो ये ग्रिल का डिजाइन ले लेता हूँ, इस इमेज पर ये ग्रिल का डिजाइन ट्रांसपेरेंटली फिल हो जाएगा। जितना बड़ा करेंगे उतना बड़ा हो जाएगा, जितना छोटा रखेंगे ग्रिल को उतना छोटा हम ग्रिल इसमें फिल कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ। अगर ट्रांसपेरेंसी ज्यादा करता हूँ ये पूरा इसमें चेन दिखेगी, इस तरह से कड़ी दिखेगी, और अगर हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट करते हैं तो ये घुसते हैं। तो ये बेसिकली होता क्या, ये इमेज है जो कि कलर में है और यहाँ हम ट्रांसपेरेंसी यूज कर रहे हैं तो ये ट्रांसपेरेंट आएगा, इमेज आएगी लेकिन उसकी जगह ट्रांसपेरेंट इमेज अप्लाई होगी बिहाइंड ओवर द नेक्स्ट इमेज जो आपकी इमेज है इस पर। यही चीज मैं अगर यहाँ अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ पैटर्न, तो देखिए ये पैटर्न कुछ इस तरह से रेड कलर में, जहाँ ये इमेज नहीं लग रही है वहां पर तो दिखाएगा पूरा रेड कलर, और बाकी जगहों पर जहाँ इमेज दिखाई दे रही रिपीटेडली उस पर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई हो जाएगी। और ये ट्रांसपेरेंसी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, 0 to 100% दे रखा है, हम यहाँ से 100 to 32%, तो अब जो कलर रेड जो दिख रहा था बाहर का वो हो जाएगा अंदर, और जो अंदर की ट्रांसपेरेंसी थी वो आ जाएगी बाहर। ये इन दोनों रूल उनका रोल है, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। तो इस तरह से हम इन्वर्ट भी कर सकते हैं वापस, ऐसे इन्वर्जन, ये ट्रांसपेरेंसी का मोड होता है। जो ट्रांसपेरेंसी हमने दी है पूरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो, फिल पर अप्लाई हो ओनली, जो कलर फिल करा है यानी कि आउटलाइन पर अप्लाई नहीं होगा जो कि आउटलाइन दे रखा है ब्लैक कलर की, या सिर्फ आउटलाइन पर अप्लाई हो। अब चूंकि आउटलाइन पर हमने कुछ मोटाई बढ़ा नहीं रखी है तो ये नहीं बताएगा, आप आउटलाइन की थिकनेस आप यहाँ से बढ़ा दीजिए, तो जब यहाँ से बढ़ाओगे तब ये यहाँ पर इस आउटलाइन पर दिखाने लग जाएगा। ये तीन मोड आउटलाइन इन और बोथ बोथ में हम फिल कर सकते हैं, फिल ट्रांसपेरेंसी और पैटर्न ट्रांसपेरेंसी, इनसाइड और आउटसाइड, और ओनली इनसाइड और ओनली आउटसाइड, ये तीन चार मोड और इसमें दिए होते हैं ट्रांसपेरेंसी की फिलिंग के अंदर। तो जिस तरह से हमने पैटर्न फिल किया उसी तरह से हम टेक्सचर बिटमैप भी फिल कर सकते हैं। बिटमैप का मतलब होता है
इमेज को फिल करना। तो हमने यहाँ पर आउटलाइन दिया है, इस आउटलाइन को मैं दोबारा क्या करता हूँ, नन कर देता हूँ, नन सिर्फ फिल में दिखाई दे। तो इस तरह से हम पैटर्न लेंगे, ये वाला जैसे शेल्फ पैटर्न लिया और इसको मैंने इसको रिसाइज किया, नंबर ऑफ डुप्लीकेटिंग इसकी बढ़ाई, रिपीटेड किया मैंने इसको, तो ये ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी इस पैटर्न की, इसको कहते हैं बिटमैप पैटर्न। कुछ इसमें बने बनाए पैटर्न्स होते हैं, रेडीमेड पैटर्न आपको यहाँ मिलेंगे, ये जैसे चेक्स आ रही है, इसका चेक्स का साइज छोटा करना है तो पूरा यहाँ से कंट्रोल करके छोटा कर लीजिए इस तरह से रिसाइज करके। तो चेक्स चेक्स को रोटेट करना है, रोटेट कर सकते हैं। इस चेक्स के बजाय हम लेना चाहते हैं, मान लीजिए चेकर्स लाइन की बजाय चेकर बोर्ड्स का ये लेना चाहते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी फ्लिप कर सकते हैं। सिर्फ आउटलाइन में आए तो आउटलाइन पर अप्लाई कर सकते हैं, या सिर्फ फिल में आए तो फिल में, या दोनों में आए तो दोनों में फिल कर सकते हैं। इसे कहते हैं पैटर्न टू कलर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी। इसमें पैटर्न दो कलर के कुछ भी ले सकते हो, आएगा ट्रांसपेरेंट ही। ओके, अब हम बात करते हैं टू कलर ट्रांसपेरेंसी के बाद में है टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी। इसमें कुछ रेडीमेड टेक्सचर्स बने हुए हैं, ये सारे यहाँ दिखाएंगे कलर में, लेकिन यहाँ फिल किस में करेंगे, रेड कलर की ट्रांसपेरेंसी के साथ फिल करेंगे। तो जहां जहां व्हाइट है वहां पर तो आ जाएगा ट्रांसपेरेंट, और जहां रेड कलर है वहां पर ये डार्क कलर जो है वो रेड में शो करेगा। ये ट्रांसपेरेंसी पैटर्न की कहलाती है, इसको हम कहते हैं टेक्सचर पैटर्न। तो हम चाहे इमेज पर कोई भी तरह का टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है ट्रांसपेरेंसी टूल के बारे में, हम किसी भी इमेज पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी टेक्स्ट पर, जैसे मान लीजिए इस टेक्स्ट पर मुझे ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करनी है तो मैं टेक्स्ट में पैटर्न की ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर लेता हूँ, ये वाला पैटर्न फिल हो जाएगा जो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया। जैसे मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ डॉट्स वाला, और इस डॉट्स को फिल करने के बाद में, एज ए ट्रांसपेरेंसी फिल करने के बाद में, ये जो डॉट्स की जो स्टाइलिंग है वो मैं छोटा करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ और छोटा करता हूँ ताकि टेक्स्ट में दिखे मैक्सिममली। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। टेक्स्ट की आउटलाइन ऑन करके हम बता सकते हैं कि इसकी बाउंड्री कहाँ पर लग रही है। साथ ही साथ में ये सिर्फ और सिर्फ फिल पर अप्लाई हो, आउटलाइन पर ना हो, तो ये मोड ऑन कर लेंगे हम। इसका सेलेक्ट करेंगे और ट्रांसपेरेंसी टूल पर जाएंगे, यहाँ से हमने इसको फ्लिप करना है, ये हमें दिखा देगा ब्लैक कलर का टेक्स्ट और डॉट जो है वो दिखाएगा ट्रांसपेरेंट। इसी तरह से मैं लेना चाहूँ ऑल, यानी कि आउटलाइन प्लस इनसाइड, या मैं लेना चाहूँ सिर्फ फिल, आउटलाइन पे नहीं लेना चाहता हूँ तो ये मैं सिर्फ फिल पे कर सकता हूँ। और मैं यहाँ से रेड क्लिक करके आउटलाइन का कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ या ब्लू कर देता हूँ, आउटलाइन की विड्थ बढ़ा देता हूँ, अभी हेयरलाइन है इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 2 पॉइंट का कर देता हूँ, ओके करता हूँ। और चूंकि इसके अंदर हमने ट्रांसपेरेंसी ले रखी है, ओनली फिल, सिर्फ फिल पे दिखाएगा। और अगर मैं करता हूँ ऑल, फिल और उसके ऑब्जेक्ट पर दोनों पे दिखाई दे, देखिए आउटलाइन की जो विड्थ ली थी अब दिखाई देने लग गई, जिसमें हमने ट्रांसपेरेंसी डाल रखी है और ट्रांसपेरेंसी के अंदर हमने डॉट्स यूज कर रखे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम ट्रांसपेरेंसी का यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन के अंदर, जैसे मैंने इमेज में लगा के दिखाया। अब मैं बताता हूँ, जैसे हमारे पास कोई डिजाइन बनी हुई है, डिजाइन बनी हुई है, यहाँ पर जो बीच वाला जो पार्ट है, जैसे इसके अंदर ये मैंने बीच वाला पार्ट में डिजाइन किया हुआ है, इसमें मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर है, इस ब्लैक कलर में एक पैटर्न अप्लाई हो जाए और वो पैटर्न ट्रांसपेरेंट हो, जिससे कि हमें डिजाइन भी दिखाई दे और ये पैटर्न भी दिखाई दे। जिस तरह से ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, पावर क्लिक किया हुआ है, ये अलग मेथड है। अगर हम ट्रांसपेरेंसी के थ्रू अगर कोई पैटर्न फिल करना चाहते हैं, और पैटर्न भी हम यहाँ से लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेते हैं जो इसके रेडीमेड पैटर्न्स है। अब चूंकि ये इमेज काफी बड़ी है तो थोड़ा सा हमारे पास ये समय लेने का टाइम आ गया, इसके अंदर ये बफरिंग में चला जाता है, उसको रीड करेगा इसके अंदर ऑब्जेक्ट में और क्या क्या है। पावर क्लिप ऑब्जेक्ट है जिसमें कि इमेज है, क्रिएटिव आर्टवर्क बना हुआ है, इस वजह से इसको रीड करने में थोड़ा समय ले रहा है। हम क्या करते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी को एक बार रन करते हैं। अब हम इस डिजाइन में देखते हैं, ये जो बीच वाला जो पार्ट है, इस बीच वाले पार्ट में हमें हमारा पैटर्न फिल करना है ट्रांसपेरेंसी के साथ में। तो मैं इसी साइज का एक रेक्टेंगल दोबारा इसके ऊपर बनाऊंगा, और इस पे रेक्टेंगल बनाने के बाद में कोई भी एक बार फिलहाल के लिए मैं कलर ले लेता हूँ, लेट्स से ग्रे कलर ले लेता हूँ ऐसे, और इस ग्रे कलर में मैं ट्रांसपेरेंसी डालना चाहता हूँ या व्हाइट कलर में ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट डालना चाहता हूँ। पैटर्न के अंदर आएंगे, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल में पैटर्न यूज करेंगे, वेक्टर पैटर्न, और वेक्टर पैटर्न के नाम पर हमें यहाँ पे इसकी लिस्ट मिलेगी वेक्टर पैटर्न की, तो उसको हम उनमें से पैटर्न सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेक्टेंगल में हमारे पास क्या आ गया है, डॉट्स वाला पैटर्न आ गया जो कि हमने लास्ट में यूज किया था यहाँ पर। अब इन डॉट्स की जो है टाइलिंग, नंबर ऑफ टाइलिंग बढ़ानी है, तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करके ऐसे ड्रैग करूंगा अंदर की तरफ थोड़ा सा, तो डॉट्स काफी छोटे हो जाएंगे, और भी अगर छोटा करना चाहते हैं तो और छोटा कर सकते हैं। इन डॉट्स के अंदर मैं चाहता हूँ ट्रांसपेरेंसी जो 0 से 100% आ रही है वो फ्लिप हो जाए। तो फ्लिप होने पर क्या होगा कि जो व्हाइट कलर जो था हमने इसमें जो डाला था वो फ्लिप हो जाएगा इन डॉट्स में, और डॉट्स के अंदर जो कलर और ट्रांसपेरेंसी जो आ रही है वो व्हाइट कलर की उसमें
शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ से हम फ्लिप कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी और कलर के मोड को। तो ये कुछ इस तरह से कलर फ्लिप करने पर जहां जहां ट्रांसपेरेंसी थी डॉट्स की वहां पर आ गया व्हाइट का और फुल ट्रांसपेरेंसी, और व्हाइट जो है इसका अपोजिट हो गया, जो डॉट्स के बाहर जो था व्हाइट वो इसमें डॉट्स में आ गया, डॉट्स वाला ट्रांसपेरेंसी लेवल व्हाइट में चला गया। इस तरह से हम ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। मैं जैसे इसको 50% कर देता हूँ और इसको फ्लिप भी कर देता हूँ, यहाँ से हम फ्लिप करेंगे। तो देखिए ट्रांसपेरेंसी फ्लिप करके और 50% करने पर हमें इमेज पर ये जो दिखाई दे रही है, इमेज भी दिखाई दे रही है और ये हमें पैटर्न भी नजर आ रहा है। इस पैटर्न को जो हमने रेक्टेंगल में बना करके फिल किया है, इसको मैं कंट्रोल के साथ में पेज डाउन करता हूँ ताकि ये हमारा इस इमेज के पीछे चला जाए, जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसके भी पीछे चला जाए। कंट्रोल पेज डाउन, या फिर हम यहाँ से ऑब्जेक्ट अरेंज कर सकते हैं, ऑर्डर टू बैक ऑफ लेयर, टू बैक ऑफ लेयर, इस तरह से शिफ्ट पेज डाउन करेंगे तो पूरा चला जाएगा, ऐसे बैक साइड में चला जाएगा। बैक साइड के बजाय हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेना चाहते हैं तो ऑर्डर फॉरवर्ड वन ऐसे ले आएंगे। अब देखिए जो ट्रांसपेरेंसी का बॉक्स हमने जो बनाया वो हमने इस ऑब्जेक्ट के पीछे शिफ्ट कर दिया, ऐसे पैटर्न को यूज करते हुए। तो इन जगहों पर हम पैटर्न यूज कर सकते हैं ऐसी डिजाइन के अंदर। तो ये था ट्रांसपेरेंसी टूल के बारे में। फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है